बादली क्षेत्र के किसानों और पशुपालकों ने पशुधन बीमा योजना को बंद न करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। योजना को दोबारा शुरू करने का किया आह्वान। बादली क्षेत्र के दर्जनों गांव के किसानों और पशुपालकों ने वर्षों से चली आ रही पशुधन बीमा योजना को बंद करने के प्रति अपना रोष जाहिर करते हुए योजना को दोबारा शुरू करने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री के नाम SDM बादली को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन क्षेत्र के समाजसेवी होशियार सिंह गुलिया के नेतृत्व में बादली, दरियापुर, लगरपुर, देवरखाना, लोहोठ, बाड़सा, मुंडाखेड़ा, इस्माइलपुर, सोनदी, निमाना, पेलपा, बामडोला व तहसील के अंतर्गत आने वाले अन्य गाँव की ग्राम पंचायतों के हस्ताक्षर व मोहर युक्त ज्ञापन SDM को सौंपा गया। होशियार सिंह गुलिया के साथ इस मौके पर विभिन्न गाँव के किसान और पशुपालक अनुराज, अमित, रीना, ज्योति, कविता, वीरमती, रणबीर, कृष्ण, मैनपाल, दीपक शर्मा, उमेद सिंह, बलबीर सिंह, धर्मवीर, ओम प्रकाश, रामकला, सुरेंद्र सिंह, रणबीर व अन्य दर्जनों किसानों व पशुपालकों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन SDM बादली विशाल कुमार को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। ज्ञापन में मांग करते हुए कहा गया कि चुनावी साल में तुरंत प्रभाव से पशुधन बीमा योजना को पुनः शुरू किया जाए ताकि क्षेत्र के किसानों और पशुपालकों को इसका फायदा मिल सके और उन्हें मजबूरन अपना पशुधन न बेचना पड़े, उन्हें किसी प्रकार का कोई आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े।